इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूँ, ये गलत है ये सही है, तो क्या हो रहा है? बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही है। तो दुकान बंद हो रही है तो जाकिर के खिलाफ, जाकिर काफिर, जाकिर काफिर, जाकिर ये के जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, गुमराह। अरे जो शख्स भाई हजारों लोग को शहादा देता है, तकरीर किए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मजाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका ये मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन हवा की तरह हिफाजत, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तकरीर नहीं करता हूं शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पेशा छोड़ दिया, मैं तकरीर करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं अल्लाह के राह में उसे कबूल करे ताकि मुझे अजर मिले, और दुआ करता हूं कि मुझे जन्नत में जगह मिले। उसके लिए मुझे ये फिक्र नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते, मैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल में आता हूं। मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाता हूं। जो भी कुरान और सही हदीस से हट जाता है तो मैं कहता हूं भाई मैं सिर्फ कुरान और सही हदीस। कोई भी शख्स चाहे मुस्लिम हो, कोई भी फिरके का हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर कुरान की आयत पेश करता है मैं उसे कबूल करता हूँ, सही हदीस पेश करता हूँ कबूल करता हूँ, अगर दूसरा कुछ पेश करता है कि इसने कहा उसने कहा, तो मैं कहता हूँ भाई कुरान और सही हदीस की रोशनी में सही है तो मैं मानता हूँ, वरना मैं नहीं मानता हूँ। मैं अपने आप को कभी आलिम ही नहीं कहता हूँ, मैं स्कॉलर भी नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को तालिबे इल्म कहता हूँ, लेकिन जो भी कहता हूँ कुरान में से हवाला देता हूँ। तो दूसरे लोग को जरा हलक से उतरता नहीं, हवाला देता हूँ फटाफट। अल्लाह की देन है, अल्लाह की मदद है। मैं ये नहीं कहता मेरे पास बहुत इल्म है, बहुत कम इल्म हूं, लेकिन अल्लाह ने जो मुझे हुनर दिया है मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम दूसरे तक पहुंचाए। तो ये चीज होने ही वाली है, और इसकी मिसाल है कि आज तारीख में सबसे पहले इंसान से लेके आज तक सबसे मशहूर इंसान कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं नहीं कहता हूं, गैर मुसलमान कहते हैं, माइकल आज कहता है, थॉमस कैरल कहते हैं, सबसे ज्यादा किताब अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़े तो मैं क्या हूं? मैं तो कुछ हुई नहीं कंपेयर में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मैं क्या हूं? मेरा तो कंपेरिजन भी नहीं है। हमें काम करना चाहिए, कब भी कोई अगर इल्तिजा आती है मैं देखता हूं भाई इसके लिए मेरे में कोई हिदायत का हिदायत है क्या? नहीं हिदायत है तो मैं बोलता हूं मैं गलत है, मैं बदल जाता हूं, मैं इंसान हूं गलती कर सकता हूं, हिदायत नहीं है तो छोड़ देता हूं, जवाब भी नहीं देता हूं, जवाब भी नहीं देता हूं, बाकी लोग माशाल्लाह जवाब देते।